कांगड़ा जिला के नूरपुर की रहने वाली एक युवती की लाश सुनसान नाले में पेड़ से लटके हुए मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हमीरपुर के साथ लगते गरने के गलू में मृतिका 21 वर्षीय दीक्षा राणा सुपुत्री अशोक राणा निवासी गांव सूही 32 मील नूरपुर हमीरपुर में निजी फैशन डिजाइनिंग संस्थान की छात्रा है और यहाँ पर क्वार्टर में रह रही थी। युवती का शव पेड़ से लटके होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने भी मौके पर जाकर छानबीन की और मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस इसकी पड़ताल करने में जुट गई है। युवती ने आत्महत्या की है या हत्या हुई है, इन सभी पहलुओं को पुलिस गहनता से देख रही है। पुलिस के अनुसार 29 जून से युवती अपने क्वार्टर में नहीं आई और 3 दिन युवती क्वार्टर से गायब रही, जिस पर अब पुलिस युवती के मोबाइल फोन को भी खंगाल रही है। इस तरह युवती का शव सुनसान नाले में पेड़ से लटके हुए मिलने पर क्षेत्र में दहशत भरा माहौल है। एसपी हमीरपुर रमन कुमार मीणा ने बताया कि युवती के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है और पुलिस छानबीन में जुट गई है ताकि सच्चाई का पता लग सके। सीआरपीसी की कार्रवाई चल रही है। ये एक मामला कल नॉलेज में आया जिसमें कि दीक्षा राणा नाम की लड़की, उसने सुसाइड की है। ये कांगड़ा की रहने वाली थी लड़की और यहाँ पर फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई कर रही थी। इसकी डेड बॉडी गरने का गालू के पास में जंगल में मिली। पुलिस इसके सभी पहलुओं की जांच करके आगे बढ़ रही है। प्रथम दृष्टया ये आत्महत्या का मामला लग रहा है, लेकिन जो बॉडी है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और FSL की टीम को भी इसमें बुलाया है और जो भी इसमें पहलू रहेंगे उनको देखकर आगे बढ़ाई जाएगी। इस आत्महत्या को लेकर बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर भी लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। देईदा नॉन पंचायत के प्रधान का कहना है कि युवती के द्वारा आत्महत्या किए जाने से पंचायत के लोग भी सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रशासन को चाहिए कि नशे के कारोबारियों पर शिकंजा कसे ताकि युवा इस गरत में ना फंसे। पनेला गाँव में जो कल संदिग्ध अवस्था में लड़की की लाश मिली है पेड़ पे लटकी हुई, उसके बारे में जो हमारी चिंता है बतौर प्रधान ग्राम पंचायत देका नॉन, वो ये है कि जो ड्रग माफिया जड़ें अपनी फैला चुका है हमारे प्रदेश में, हमारे हमीरपुर में खास तौर पे, तो उसको रोकने में हमारा जो जिला प्रशासन है, इसके अलावा प्रदेश सरकार है, वो जो भी कदम कारगर उठा रही है तो उसको और ज़्यादा उसमें तेज़ी लाने की ज़रूरत है। क्योंकि आए दिन यहाँ पे जो वारदातें हैं सुसाइड की या मर्डर की, और जो खासकर महिलाओं में ज़्यादातर देखने में मिल रहा है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए हमारी जो सारी नारी शक्ति है उसको एक सुरक्षा का भाव पैदा करने के लिए प्रदेश सरकार और जो हमारा लोकल प्रशासन है उसकी भूमिका को और सुदृढ़ करने की ज़रूरत है। और हम मांग करते हैं अपनी यूनियन की तरफ से, अपनी जो हमारा ग्राम पंचायत की ओर से भी, कि हमें सुरक्षा का भाव पैदा करवाने के लिए जो लोकल प्रशासन है और जो प्रदेश सरकार है उसमें वो कड़े कदम उठाए, या फिर हमें अपने तौर पे जैसे हम ठीकरी पैरा करते आए हैं पहले भी इन चीज़ों को रोकने के लिए, लेकिन हमारे पास कोई असला वेपन्स ऐसा तो प्रशिक्षण नहीं होता, लेकिन ये सारी चीज़ें रोकने में जो प्रशासन है उसको हमें कई बार आगाह किया है। लगातार हम 2016 से लगातार इस चीज़ पर अपना स्ट्रेस देते आए हैं कि सारे का सारा डिस्टर्ब एरिया है, और इससे पहले भी यहाँ पे बच्चे उठाए गए हैं। पनेला ही गांव का कम से कम भी 2015 में एक बच्चा उठाया गया था जिसका आज तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। 16 साल का बच्चा था वो। तो इस तरह की घटनाएं आए दिन यहां पे हो रही हैं जिससे असुरक्षा का माहौल हमारे लोगों में बढ़ रहा है, और उसको रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है।